मधेपुरा जिले के सदर बाजार के करपुरी चौक पर चोरों ने एटीएम तोड़कर पैसा निकालने का असफल प्रयास किया। चोर ने रात करीब 1 बजे एटीएम के सामने सड़क पर लगे चापाकाल के हैंडल से एटीएम मशीन को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि चोर जैसे ही एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया तो एटीएम का सेंसर काम करने लगा और इसकी सूचना मुंबई हैक क्वार्टर को भेज दिया, जिसके बाद फौरन पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को आते देखते ही चोर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने कहा कि गनीमत थी कि एटीएम का सेंसर काम कर गया, नहीं तो चोर एटीएम में रखे 7 लाख कैश लेकर उड़ जाता। इस संबंध में सदर थाना अध्यक्ष ने बताया कि यह काम किसी शरारती तत्व का प्रतीत होता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। बता दें कि इससे पहले भी मधेपुरा कॉलेज चौक पर स्थित SBI के ATM को तोड़ने का प्रयास किया गया था, जिसमें गार्ड की सूझबूझ से ATM तोड़ने आए युवक को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया था। सर आपका? विक्रांत कुमार। क्या मामला है? मामला है ना, हमारे बैंक का ATM है यहाँ पे स्टेशन रोड पे, और आज सुबह ही हमको पता चला किन्हीं के द्वारा कि जो है कि आपके बैंक के ATM का जो है कुछ तोड़फोड़ हो गया है। तो सुबह हम आए यहाँ पे अपने और स्टाफ के साथ में, तो यहाँ पे पता चला कि भाई तोड़फोड़ हुआ था रात में ही। तो फिर हम लोग थाना में भी बात किए थे, तो वहाँ से भी सर बताया कि जो है कि ऐसा ऐसा घटना था। तो हम लोग फिर अभी सारा क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान ATM को थोड़ा तोड़ दिया गया है, स्क्रीन और को तोड़ दिया गया है, CPU वाला रूम जो है उसको तोड़ दिया गया है। क्या कोई कैश की भी निकासी? नहीं, कैश की निकासी तो नहीं मिल रही है। आप बैंक में क्या है, किस पोस्ट पे? ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर है मधेपुरा की? जी जी। क्या लगता है कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया? कैसे क्या बोल सकते हैं इस बारे में, हम लोग तो नहीं कुछ बता सकते, ठीक है, लेकिन कोई ट्राई तो किया है। ये थी हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट मधेपुरा से।